मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास एवं मांग संख्या 28 पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के ऊपर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, भारत महात्मा गांधी जी का देश है। भारत में महात्मा गांधी जी ने सोच रखी थी कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव का विकास होगा, ढाणी का विकास होगा, तभी राज्य का विकास होगा और देश का विकास होगा। गांव के विकास करने के लिए ग्राम पंचायतों को, पंचायत समिति को और जिला परिषद को मजबूत करना पड़ेगा। आज ग्राम पंचायतों की क्या हालत है? जितनी भी योजना है ग्राम पंचायत के मार्फत गांव में, ढाणी में, कस्बे में प्रचलित होती है, परंतु ग्राम पंचायतों के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है जिसके कारण उस योजना को सही रूप से संचालित कर सके। उनके पास मात्र राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा TFC और SFC का जो भी फंड मिल रहा है उसी के आधार पर वो हर ग्राम के विकास का काम करने की कोशिश करते हैं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो भी SFC और TFC का फंड आ रहा है उसके अंदर आज ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत सहायक हो, कोविड सहायक हो, ऐसी कई नई योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लागू की और उनका भार ग्राम पंचायतों के ऊपर डाल दिया। ग्राम पंचायतों की स्थिति यह नहीं है। जनता जल योजना एक ऐसी योजना है, आम आदमी को पानी के लिए बहुत जरूरी है, बिना पानी कोई नहीं चला सकता। और जितनी भी स्कीमें हैं पूरी जनता जल के अंदर दे दी। आज PhD के पास नहीं है, पंचायती राज के पास, ग्राम पंचायतों के पास इतना कितना फंड है जो कर्मचारियों को वेतन दे, जो स्कीम संचालित हो रही है उसके अंदर मोटर खराब हो जाए या असेंबली खराब हो जाए, वायर खराब है उसको ठीक करने के लिए उनके पास फंड नहीं है। उसके उपरांत ग्राम पंचायत के पास सिर्फ एक ग्राम विकास अधिकारी और एक कनिष्ठ लिपिक है, उन दोनों के सिवा उनके पास कोई टेक्निकल कर्मचारी नहीं है। तो मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि यदि इसको संचालन करना है तो जनता जल योजना के अंदर राज्य सरकार द्वारा अलग से ही फंड जारी किया जाए तो ग्राम पंचायत के सरपंच लोग उनको सही ढंग से संचालित कर सके, नहीं तो उनके ऊपर ये भार बहुत बड़ा है। और कई ग्राम पंचायतों के अंदर 5-5, 7-7, 8-8 जनता जल की स्कीम है और एक साल के अंदर 10-10 लाख रुपए का बिजली का बिल आ रहा है, कर्मचारियों का वेतन आ रहा है, उनका भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया। तो मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सरकार सोचे, मंथन करे और इसको संचालन करने के लिए हमारी तो मांग यही है कि PhD विभाग को दिया जाए। यदि PhD विभाग को आप नहीं देते हो तो इसका संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अलग से फंड जारी करें जिससे इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। नहीं तो जो ग्रामीण विकास के लिए गांव में कोई सड़क बनानी है, सफाई करनी है, कोई नया शौचालय बनाना है या किसी जगह नया तालाब का निर्माण करना, उसके लिए जो धन आ रहा है वो सीधा का सीधा रोजगार सहायक, ये कोविड सहायक और जनता जल के कर्मचारियों के वेतन में चला जाता है। और जो विद्युत का बिल भरना बाकी रह जाता है, कभी कभार ये इलेक्ट्रिक मोटर खराब हो जाती है तो 10-10 टन स्कीम बंद पड़ती है और लोगों को पानी पिलाना मुश्किल हो जाता है। मेरा निवेदन है। दूसरा निवेदन है कि जनता जल के अंदर जो लगे हुए कर्मचारी पिछले कई सालों से PhD के हेल्पर के
भर्ती नहीं हुई है, और जनता दल का जो कर्मचारी है उसको वेतन तो 5,000 मिलता है, और उनके पास 5-5, 7-7 स्कीमें, तो वो स्कीमें वो कैसे संचालित करेगा? उसके पास दूसरी कोई जानकारी नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि उनके संचालन के लिए उसके कुछ वेतन बढ़ाया जाए और उसको मजबूती देने के लिए ग्राम का विकास होगा, पंचायत मजबूत होंगे, ग्राम का विकास नहीं हो सकता, ग्राम का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता, मेरा निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत के अंदर हर काम, राज्य सरकार की कोई भी स्कीम हो उसका जो भी प्रोग्राम रखता है वो ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर अपन निर्धारित रहते हैं, और ग्राम पंचायत के अंदर सिर्फ TFC SFC के सिवा और कोई इनकम नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा योजना एक संजीवनी साबित हुई, ग्रामीण इलाकों के अंदर लोग गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पलायन करके मजदूरी करने के लिए जाते थे, तो राजस्थान की सेंट्रल गवर्नमेंट की UPA सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की उससे ग्रामीणों के अंदर पलायन को रोकने का काम किया, और बहुत शानदार और मजबूत योजना है। इस योजना को सही ढंग से क्रियान्वित की जाए, इसके अंदर योजना लागू होगी, ग्राम पंचायत उनका प्लान बनाती है परंतु इनकी स्वीकृति का अधिकार पूरा का पूरा पंचायत समिति और जिला परिषद के पास है, ग्राम पंचायत के सरपंच के पास नरेगा के अंदर 1 रुपया भी सेक्शन करने का प्रावधान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। प्रावधान है कि 5 लाख तक का कोई भी काम है वो बिना ठेका प्रक्रिया ग्राम पंचायत का सरपंच कर सकता है, परंतु गाइडलाइन में दिया कि नरेगा का कोई भी काम होगा नरेगा टेंडर के आधार पर होगा, टेंडर प्रक्रिया एक टाइप का आज पंचायती राज के अंदर चुनाव होते हैं, 4-5 पार्टियां आमने सामने खड़ी होती है और चुनाव के अंदर जो हार जाते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो जीता हुआ सरपंच है उसकी पंचायत का काम नहीं हो, उसके साथ सौतेला व्यवहार हो, उनके काम कैसे रोके जाए, उनकी झूठी झूठी शिकायतों की जाती है और शिकायतों के अंदर वो उसके 24 घंटा उस शिकायतों के पीछे पड़ता है और ग्राम पंचायत का विकास नहीं होता। तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इसके अंदर एक नई गाइडलाइन जारी करें, जो भी काम हो 5 लाख के काम कोई भी टाइप का काम हो वो बिना निविदा ग्राम पंचायत कर सकती है, ये डायरेक्शन जारी करें तो पंचायतों को मजबूती होगी, गांव का पंचायत मजबूत होगा, हर गांव हर ढाणी का काम अच्छी तरह से होगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत और इस महात्मा गांधी नरेगा के अंदर गरेवल का काम हो रहा है, अच्छा काम हुआ, हर गांव के ढाणी में जाने वाले रास्ते के अंदर बहुत मजबूती हुई है, परंतु मेरा निवेदन है कि इसके अंदर WBM नरेगा के अंदर ले तो आज हर विधायक महोदय जनप्रतिनिधि जो सड़क का निर्माण का काम मांग कर रहा WBM यदि ग्राम पंचायत से हो जाएगा तो आज राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए उससे कई किलोमीटर सड़कें बन सकती है। आज अपन जो इस आधार पर 15 से 20 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकते और 20 से 30 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण होता है, यदि WBM नरेगा के तहत हो तो कई किलोमीटर सड़कें नई सड़कें हो जाएगी, सड़क होगी तो गांव का विकास होगा, आने जाने का साधन की सुविधा होगी, हर आदमी मजबूती से अपना काम कर सकेगा। दूसरा मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत शानदार योजना है, आम आदमी गरीब आदमी की सत की योजना लागू की, ये इंदिरा आवास योजना है उसको अपग्रेड करके प्रधानमंत्री आवास योजना नाम चयन किया, इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना पहले चयनित थी और BPL चयनित परिवारों को मिलता था, 2011 के अंदर सर्वे हुआ, उस सर्वे के आधार पर कुछ लोग ऐसे लोग थे जो मजदूरी के लिए बाहर चले गए और उनका सर्वे नहीं हुआ, सर्वे नहीं करने के कारण वो लोग आवास से वंचित रह गए, जो आवास प्लस के अंदर जो नई फॉर्म लिए गए और उसके अंदर एक किसी ने कर्मचारी ने का जानबूझ के लिख दिया लैंडलाइन नंबर, लैंडलाइन फोन तो कभी CTO के अंदर भी कम हो गए खत्म हो गए, कहाँ है गांवों के अंदर लैंडलाइन फोन नाम की चीज ही नहीं है, उसी के कारण लाखों लोगों के आवास कट गए। माननीय प्रतिपक्षी नेता महोदय से मेरा निवेदन है कि आप जुझारू हो मजबूत हो, आपके दिल के अंदर हमेशा सच्चाई है, हम आपका आदर करते हैं,
मेरा निवेदन है कि ऐसे 1.5 लाख से 2 लाख लोग हैं जो आवास से वंचित हो गए हैं, एक तो जियो टैगिंग के कारण और दूसरे लैंडलाइन नंबर के कारण। तो आप मेहरबानी करके, ये पोर्टल ऊपर से बंद हो गया, जब तक ऊपर से इसको स्वीकृत नहीं कराओगे तब तक ये नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है अपने 25 सांसद है उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो ये मांग बहुत गंभीर मांग है, और यदि माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है और उनकी भावना कि हर गरीब को सत मिले, तो ये 2 लाख लोग ये, और जो 2011 के अंदर सर्वे हुआ था, सर्वे के अंदर लोग जो मजदूरी करने के लिए बाहर चले गए, मजदूरी कौन करता है, गरीब लोग है, जिसके बच्चों का भरण पोषण नहीं हो रहा है वो मजदूरी के लिए, उन गरीबों के आवास की योजना है तो उनको सबल देने के लिए, मजबूती देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको लागू किया जाए। दूसरा मेरा निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंदर जो पक्के काम किए जाए, उसके साथ साथ किसानों को मजबूती देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो शानदार बजट किसानों के लिए पेश किया, मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके साथ साथ किसानों को कृषि कार्य को नरेगा के अंदर जोड़ा जाए, कृषि कार्य मैड बनानी हो, तार बंदी करनी हो, इसके साथ साथ खेत के अंदर जो काम कर रहे हैं, निदान निकालना हो, फसल की कटाई करनी हो, वो नरेगा से जोड़ा जाए, तो एक हिसाब से किसान को मजबूती मिलेगी। किसानों को मजबूत करने के लिए बहुत सुंदर और शानदार काम है, मेरा निवेदन है कि इसको जोड़ा जाए। दूसरा मेरा निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा है इसको खत्म की जाए, और स्वतंत्र ग्राम पंचायत को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि जो भी आम सभा के अंदर काम स्वीकृत होता है वो स्वीकृत 5 लाख तक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत हो, 10 लाख तो पंचायत समिति के अंदर हो, और 50 लाख से अधिक हो तो जिला परिषद में। ये काम ठीक है, पर काम करने का दायित्व ग्राम पंचायत अपने स्तर पर टेंडर करे और टेंडर करके उसको काम करावे। आज समय चेंज हो गया, हर आदमी चाहता है 20% डाउन 25% डाउन, वो टेंडर डाल देता है, उसका काम हो जाता है और वो एक साल पर 1 टके का काम नहीं करता है, और ग्राम पंचायत के सभी लोग उस सरपंच के खिलाफ हो जाते हैं। सरपंच माननीय सदस्य समाप्त करें, अब आप समाप्त करें। दो मिनट नहीं, आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। दूसरा मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत मजबूत नहीं होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई ग्राम पंचायतों की बहुत शानदार किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशासन गाँव के संघ अभियान के अंदर 2 लाख पट्टे दिए, मेरा निवेदन है कि कुछ लोग ग्राम पंचायतों के मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ लोग ग्रामों के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर गोचर में बैठे, और राज्य सरकार ने ये अभी आदेश जारी किया है कि जो लोग 30 साल से वहाँ बैठे हैं उनकी जमीन आबादी की जाए, परंतु 30 साल से कम जगह पर भी जो लोग बैठे हैं, अपना घर बसा के बैठे हैं, वहाँ उनका बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, उस जमीन को आबादी करके उनको पट्टे जारी करें। माननीय मंत्री महोदय ने अभी मुख्यमंत्री महोदय ने जो 125 दिन जो ग्रामीण इलाके में और 100 दिन शहरी इकलम की घोषणा किया, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य बैठे हैं आप।